तो देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। महाभियोग की सुनवाई का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को बराक ओबामा को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ओबामा पर साजिश करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि ओबामा ने साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान उनके अभियान की जासूसी कराई थी। आधुनिक कॉल के फोन टैपिंग के जो भी संस्करण हों, लेकिन ओबामा प्रशासन में मेरे खिलाफ साजिश उच्च स्तर पर हुई। ओबामा सरकार के शीर्ष स्तर पर कार्य कर रहे थे, वो मेरे अभियान की जासूसी कर रहे थे। ये मेरी राय है, ये मैंने बहुत पहले ही कही थी। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा व्यक्तिगत रूप से शामिल थे, तो ट्रंप ने कहा कि मेरा व्यक्तित्व रूप से मानना है कि ये शीर्ष स्तर तक जाता है। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता क्योंकि ये अनादर होगा। वे सोचते थे कि मेरी जीत होगी और उन्होंने कहा कि कैसे हम उसे रोक सकते हैं। उन्होंने फर्जी डोजियर लिखा और कोशिश की कि चुनाव से पहले इसे जनता के बीच ले जाया जाए। ये दिखाता है कि वो कितने अयोग्य थे। उन्होंने करोड़ों डॉलर खर्च किए। हिलेरी क्लिंटन और डेमोक्रेट्स ने इसकी कीमत चुकाई। गौर हो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चल रहा है। ट्रंप पर विपक्षी नेता जो बाइडेन के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा है, तो वहीं ट्रंप ने भी महाभियोग की सुनवाई सेनेट में करने को कहा। फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का दौर है, पर ऐसे आरोप हर चुनाव के पहले राजनीतिक रूप से भी उभर कर सामने आते रहते हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। साथ ही इन आरोपों का असर चुनाव में क्या होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दुनिया तक।